हम लोग तो फाइनल जीत चुके हैं, इसके बाद भी कोई और फाइनल होगा तो वो फाइनल भी हम जीतेंगे। रही बात ये बस्तर के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल राज किए, चाहे महेश गागड़ा जी हो, केदार कश्यप जी हो, बस्तर को कभी देखे नहीं, ऊपर हवा में उड़ते रहे। आज हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम चल रही है और उनके काम को बस्तर की जनता ने मोहर लगाया है। जहां हम भोपालपट्टनम में 15-0 जीत रहे हैं, हम कोंटा में 14-1 से जीत रहे हैं, भैरमगढ़ का रिजल्ट देखिए, मतलब ये लोग एक वार्ड नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी बस्तर में। मैं तो समझता हूँ ये बड़ा कान कटाने वाले, तो इनको कान नाक सब कटा देना चाहिए अभी जाके। अब देखिए ये लोग तो 15 साल तो खूब राज किए, तो जनता साल इनको 15 साल, जनता अब इनको आने वाला 15 साल इनको फिर रेस्ट करने के लिए जनता ने दे दिए, तो 15 साल तक ये फिर आराम करते रहेंगे। और जनता ने हमको काम करने के लिए मौका दिया है तो निश्चित रूप से जनता के बीच में आने वाला 15 साल तक हम फिर काम करते रहेंगे। अभी उनकी सत्ता है, दारू है, पैसा है, सब कुछ है, डराना धमकाना चमकाना। ये प्रशासन के लोग भी सब लोग जो है ना जानते हैं कि अभी जो बनने दो, है ना, इस तरह से ये लोग दबाव डाल करके चुनाव जीते हैं और बाकी इनकी खुद की कुछ हो नहीं। नगर पंचायत नगर पालिका जो चुनाव हुए हैं ये तो जिसकी सरकार रहती है उसी की सरकार बनती है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, चुनाव आने वाले समय में 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं, ये मान के चलिए। मैं तो कान कटवा इसलिए बोला था, आने वाले समय में अगर फिर से भारतीय कांग्रेस सरकार आती है तो कान कटवा लूंगा बोला था मैंने। लेकिन दीपक जी को शायद ये मालूम नहीं है, हमारे कान भी नहीं कटे हैं और नाक भी नहीं कटे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जनता बताएगी क्या दीपक भाई की क्या हैसियत है, दीपक भाई क्या कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार में सरकार नहीं बनेगी ये मेरा मानना है, नाक उनकी कटेगी। सरकार 15 साल अब आएगा क्या, आएगा क्या बोल। उस दिन तो पेपर में देख रहा था, अब 15 साल हम रहेंगे, 15 साल में हम लोग थे, अब 15 साल आने की बात तो दूर। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, स्व सहायता समूह परेशान है। आपने 36 जो वादे किए थे उन 36 वादों में से एक भी वादा बता दीजिए आपने पूरा को। 14 वित्तों के 15 वित्त का पैसा आ रहा है, उसमें भी गोबर में लगा रहे हो, गोबर तो है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन जो है ना फिर भी आप बोल रहे हो गोबर लाओ पानी लाओ पानी लाओ। पानी की व्यवस्था नहीं है, गोबर की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है और किसी को पैसा मिला नहीं आज तक। तो ये सब बातें हैं, बोलने की बात अलग होती है, लेकिन सरकार जो है ना कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में नहीं बनेगी। नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने ऐसा नहीं कहा हम करेंगे, हम लोग इसको भेदभाव टाइप नहीं मानते। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद ये बराबर बोलते हैं कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो होगा। ये जो है ना कलेक्टर को बोलते हैं, तहसीलदार को बोलते हैं, SDM को बोलते हैं और CO को बोलते हैं। इस प्रकार की जो इनकी दादागिरी है वो जो है ना होता है। हम लोग के समय में चाहे कांग्रेस वाला आता था, बीजेपी वाला आता था, कम्युनिस्ट वाला आता था, कोई भी आता था, हम चलो भाई सब मिलजुल के काम करो, ये हमारा आश्वासन। लेकिन ये लोग अब क्या बोलते हैं, नहीं जो भी काम आए हम लोग करेंगे। ये फर्क है इसमें कि जब हर प्रदेश में, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तेलंगाना है, देश के अधिकांश प्रदेशों में जब क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन चुकी हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने के सपने से जो पार्टी जोगी जी ने बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली और एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी सरकार बनेगी। जिस प्रकार से पूरी भारत सरकार ने ताकत झोंक दी थी बंगाल में, उसके बावजूद वहाँ पर खेला होबे हुआ, वहाँ पर ममता दीदी ने फिर से सरकार बनाई। 2023 में छत्तीसगढ़ में भी खेला होगा। हम लोग सभी 90 सीटों पर अपने दम पर, अपने चिन्ह पर, हल चलाता किसान पर चुनाव लड़ेंगे।